टोक्यो ओलंपिक के दिन भर के अपडेट्स और खेल जगत की खबरों के साथ मैं शुभम किशोर स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। टोक्यो ओलंपिक का सातवां दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत को तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग में जीत मिली है। भारत के तीन एथलीट मेडल जीतने के करीब है। तीरंदाज अतनु दास ने पुरुष सिंगल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। स्टार शटलर पीवी सिंधु डेनमार्क के मिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं बॉक्सर सतीश कुमार 91 किलो वर्ग के अंतिम आठ में पहुंच गए हैं। पुरुष हॉकी टीम का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। उसने रियो ओलंपिक के चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हरा दिया है। इसी के साथ अतनु दास, पीवी सिंधु, सतीश कुमार मेडल जीतने के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि आज भारत के तीनों तैराकों प्रकाश, श्रीहरि नटराज और माना पटेल ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। इसी मैच में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले विवेक सागर भी खेल रहे थे। विवेक ने टूटी हॉकी से खेलना शुरू किया था और आज देश के लिए खेल रहे हैं। कुल मिलाकर भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन एक्शन से भरपूर रहा, जिसमें भारत को ज्यादातर मुकाबलों में जीत मिली। लेकिन सबसे बड़ा झटका भारत को बॉक्सिंग में लगा, जहां 6 बार की चैंपियन एमसी मैरीकॉम अपने अंतिम 16 के मुकाबले में हार कर बाहर हो गई। वहीं हार के बाद मैरीकॉम ने कहा उन्हें 2 घंटे तक हार का पता ही नहीं था। इसकी जानकारी उन्हें सोशल मीडिया से मिली। इसके बाद उन्होंने आईओसी की बॉक्सिंग टास्क फोर्स पर खराब जज का आरोप लगाया है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ओलंपिक के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और देखते रहें लगातार.in। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।